पड़ोसी राष्ट्र नेपाल के सीमावर्ती महोत्री जिले में पुलिस गिरफ्त से भागने की कोशिश के दौरान पुलिस के साथ हुई झड़प में दो डकैत गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज जलेश्वर प्रांतीय अस्पताल में चल रहा है। जख्मी हुए उक्त दोनों आरोपी कुख्यात लुटेरे बताए जा रहे हैं, जिनके विरुद्ध नेपाल और भारत में डकैती व लूटपाट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। ये नेपाल के महोत्तरी, सरलाही, धनुषा आदि जिलों व भारत के मधुबनी जिले के मधवापुर, सहरघाट, लौकहा थाना क्षेत्र सहित अन्य संभागों में हुए डकैती के विभिन्न मामलों में फरार चल रहे थे। नेपाल के मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह झड़प उस वक्त हुई जब पुलिस दोनों डकैतों को गिरफ्तार कर महोत्तरी के जिला मुख्यालय जलेश्वर ला रही थी। इसी दौरान सोनमा गांव वार्ड नंबर 5 के समीप दोनों डकैतों ने पुलिस टीम को चकमा देकर भागने का प्रयास किया। इस धरपकड़ के दौरान पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से दोनों डकैत जख्मी हो गए, वहीं नेपाल पुलिस के दो जवान भी मामूली रूप से घायल हुए हैं। महोत्तरी के एसपी प्रकाश मल्ल के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सरलाही जिले के लालबंदी नगरपालिका के वार्ड नंबर 2 निवासी 35 वर्षीय शक्ति पासवान व 32 वर्षीय अजय पासवान के रूप में हुई है। बताया जाता है कि पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी बीच मंगलवार की दोपहर में रौतहट जिले के गरुर नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 स्थित पानी टंकी के समीप से दोनों को एक लोकल पिस्टल व 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें लेकर जलेश्वर ला रही थी, जहां सरलाही जिले के संग्रामपुर के समीप पुलिस का एक वाहन खराब हो गया, जिसके बाद दूसरे वाहन से उन्हें सरलाही व महोत्तरी जिले की सीमा पर स्थित सोनवा नगर पालिका पहुंचाया गया। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की नाकामयाब कोशिश की, जहां पुलिस द्वारा चलाई गई 10 में से 3 राउंड गोली दोनों आरोपियों के जांघ में जाकर लग गई, जिससे दोनों जख्मी हो गए, जबकि पुलिस कांस्टेबल संजय जायसवाल और श्याम किशोर गिरी को चोटें आई है। जख्मी होने के बाद सभी को जलेश्वर प्रांतीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। हामीले अर्को गाडीमा ती गाडी ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई गाडीमा राख्ने क्रममा दुईजना भाग्नुभयो प्रहरीको नियन्त्रणबाट। समय रातिको समय थियो, 10 बजेको समय थियो करिब, त्यसपछि उहाँहरू भाग्नुभयो। त्यही क्रममा चाहिँ प्रहरीले नियन्त्रण लिने क्रममा 10 राउन्ड गोली फायर गर्नु पऱ्यो, जसमध्येमा 3 गोली, 2 शक्ति पासवानलाई र 1 गोली चाहिँ अजय पासवान निसङ्ग पक्राउ परेन। अजय पासवानको खुट्टामा गोली लागेर घाइते परिसकेपछि प्रहरी गिरफ्तार दोनों डकैत हाल ही में 6 नवंबर को नेपाल के जलेश्वर नगरपालिका के वार्ड नंबर 8 सनो रतवारा गांव के भुवनेश्वर चौधरी के घर में हुए डाका कांड में भी शामिल थे, जिसमें लुटेरों ने गृहस्वामी सहित परिजनों के साथ बुरी तरह मारपीट कर 1,75,000 नकद सहित लगभग 40 तोला सोना व 45 तोला चांदी के आभूषण की लूटपाट को अंजाम दिया था। गिरफ्तार दोनों आरोपियों पर सिर्फ नेपाल में ही विभिन्न तरह के 11 आपराधिक मामले चल रहे हैं। अक्टूबर नवंबर माह में इन्होंने महोत्तरी जिले में 2, धनुषा जिले में 1 तथा रौतहट में 1 डकैती की घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।